यहाँ पे एक बहुत ही फेमस व्लॉगर आ रहा है। ओह बहुत अंदर तक आए हैं। फॉलो का रास्ता कहाँ पे? डाउन देखो, इसे बोलते हैं। ओ सामने का नजारा, वी आर इनसाइड दिस छोटा सा ट्री हाउस। पूरा फॉग है, रात को इतना खूबसूरत लग रहा है। लोग मॉल पे, पूरा मेरा पीछे फॉग है। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज केतन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ये व्लॉग है हाफ लॉन्ग डे 3 का सेकंड पार्ट। तो लाइक आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो वो कल का व्लॉग है, एक बारी आप चेकआउट कर लीजिए। कल का व्लॉग एक्चुअली मोटो व्लॉगिंग था, तो लाइक बहुत ही तबाही था, आप लोग एक बारी चेक कीजिए। अभी फिलहाल मैं हूँ अपना मामा के घर, यहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे हैं। हम लोग जाएंगे थोड़ा साइट सीइंग पे, बारिश शुरू हो गया बाहर तो लाइक थोड़ा डिले हो सकता है। सब लोग रेडी हो रहा है, मैं तो फुली रेडी होकर बैठा हुआ हूँ, व्लॉगिंग शुरू कर दिया है। चलने के लिए पूरा तैयार है, बाहर तो पूरा बारिश हो रहा है, पता नहीं आज का दिन कैसा जाने वाला है कैसा नहीं। ये देखो गाइस पूरा बारिश हो रखा है। देर हम लोग ठेलते ठेलते आए हैं जाटिंगा फेस्टिवल पर। यहाँ पे हो रहा है जाटिंगा फेस्टिवल एंड हम लोग एक्चुअली आगे जा रहे थे, यहाँ पे हम लोग रुके क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही फेमस व्लॉगर आ रहा है। आपने कभी इंग्लिश मेकर का नाम सुना है कि नहीं पता नहीं, पर बहुत फेमस है ये इंडिया का एंड वो आने वाला है अभी यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, रुक के देखते हैं, अगर मैं उससे एक बार मिल पाऊंगा तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे मम्मी पापा लोग वहाँ पे गए हैं, गेट पे, मेन गेट पे वहाँ पे है ये लोग। मैं एक्चुअली स्टेज के सामने आ गया हूँ, यहाँ पे पीछे मेरा स्टेज है एंड यहाँ से जो व्यू आ रहा है भाई, तबाही वाला व्यू आ रहा है। गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया है, बहुत ही कूल लोकेशन है। अभी हम लोग थोड़ा एडवेंचरस जगह पे जा रहे हैं, ये देखो गाइस, एंड यहाँ पे एक्चुअली झरने का आवाज़ आ रहा है तो हम लोग झरना पे जा रहे हैं। चलो चलो चलो। अभी पूरा हम लोग नीचे तक आ गए हैं, यहाँ पे पानी बह रहा है। हम लोग फिलहाल पानी पे है एंड हम लोग उस झरने तक, ओ गिर गया गिर गया गिर गया हम लोग उस झरने तक जाएंगे। यहाँ से रास्ता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उस तरफ से घूम के जाने वाले, लेट्स गो। ओ चलो चलो चलो, यहाँ पे पानी कम है, यहाँ पे पानी कम है। ओ भाई, ओहो झरना झरना, ओहो आ गए झरना तक आ गए। ओहो अभी और भी ऊपर जाना है यार, ऊपर बुला रहा है, ये पत्थर तो नहीं गिरेगा ना। तो अभी हम लोग झरने का ऊपर तक आ गए, हम लोग नीचे झरना एंड चलो और भी ऊपर चलते हैं। गाइस बहुत अंदर तक आए हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न। बहुत ऊपर तक आ गए, वो सामने देखो, बहुत स्लिपी है, बहुत स्लिपी है, बहुत ज्यादा स्लिपरी। ओ भाई गया 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 गया, बच गया बच गया। ये देखो सामने देखो, और ये देखो ये कहाँ चढ़ गया है, अभी कैसे उतरेगा ये। अभी हम लोग पानी से निकल गए हैं एंड वापस से जंगल के बीच में से, जंगल के बीच में से होके हम लोग जा रहे हैं मेन रोड के और, बहुत ही एडवेंचरस जगह है ये।
गाइस यहाँ पे जो है फ्री का पानी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग का जो गाड़ी है उसे भी एक बारी मैं साफ कर लूँ, क्योंकि बहुत ही गंदा हो रखा है। यहाँ पे मेरा मामा साफ कर रहा है गाड़ी। यहाँ पे हम लोग गाड़ी का हालत एक झलक देख लीजिए व्हील्स। तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी को एक बारी साफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों गाड़ी साफ कर लिया है, पूरा नीट एंड क्लीन कंडीशन पे है। ये वाला जगह पूरा मिट्टी के अंदर था, लेकिन अभी पूरा साफ हो गया है। थोड़ा थोड़ा शैम्पू लगाया है, और कुछ कर नहीं सकते हम लोग। यहाँ पे सब लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग आए हैं गेस्ट हाउस पे, एंड यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे लंच। ये रहा गेस्ट हाउस, हाफलोंग का गेस्ट हाउस। हाफलोंग में ऐसा ज़्यादा अच्छा कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है जितना सुना है, यही एक है। तो यहाँ पे जाकर हम लोगों का लंच जो है वो कंप्लीट करने वाला है, उसके बाद निकल जाएंगे कहीं और एक्सप्लोर करने। एंड हम लोगों का जो है शाम का एक और प्लान हो रहा है, जो स्कूटी हम लोगों ने लिया था उससे है ना, फिर से राइड पे जाएंगे। हाँ, स्कूटी से राइड पे जाएंगे, जो नाइट व्यू है वो सब आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ पे लंच कंप्लीट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग का लंच हुआ है कंप्लीट, एंड अभी हम लोग गाड़ी पे उठ रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग जाएंगे घर, घर जाके वापस से स्कूटी लेके निकलेंगे, आपको नाइट का कुछ व्यूज दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं स्कूटी पे वापस से, थोड़ा मोटो व्लॉगिंग किया जाएगा अभी, एंड पेट्रोल हम लोग ने भर लिया है वापस से। अभी हम लोग जाएंगे एक जगह का नाम है मोलोय, मोलोय लोअर मोलोय जाएंगे। पहले मोलोय जाएंगे, फिर लोअर मोलोय, फिर उमरेंग। उमरेंग एक नया रेस्टोरेंट खुला है, हम लोगों को अभी भी पता चला है, तो उसी में हम लोग जाने वाले हैं। जाके देखते हैं कैसा क्या सीन है वहाँ का, बिना टाइम वेस्ट किया लेट्स गो गो। ओ भाई, टूटा फूटा सा रास्ता है यहाँ पे। मोलोय का रास्ता कहाँ पे? इधर पे। ओके थैंक यू। मोलोय जाना है, मोलोय। ओहो गाइस, यहाँ का टाउन देखो। ओह माय गॉड, इसमें चराऊंगा कैसे? ओ भाई, चरेगा नहीं तो? नहीं चरेगा तो धक्का मार के चराना पड़ेगा। ओ मजेदार रास्ता है भाई। मोलोय हाई स्कूल। एनीवेज इन लोगों को पूछते एक बारी लोअर मोलोय का रास्ता। एक नीचे है रेस्टोरेंट। ओके ओके। ओहो रास्ता देखो गाइस, इससे बोलते हैवन। ओहो यहाँ का नजारा। ओ भाई यहाँ का नजारा। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, इसी सीन के बारे में बोल रहा था शायद से हम लोगों को। यहाँ का सीन देखो एक बारी। हाँ, 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 क्या नज़ारे, क्या नज़ारा आ रहा है यहाँ से। शायद से हम लोग पहुंच गए हैं जॉल बॉक, शायद यही इसका रास्ता है। दोनों तरफ फ्लैग्स जो है वो लगा हुआ है। बहुत ही एडवेंचरस रास्ता है। ओ भाई ओहो मजेदार रास्ता है, मजेदार मजेदार। वी आर गोइंग करेक्ट, होप सो। यहाँ पे फुटबॉल मैच। ओ ये ओहो यही है शायद वो वाला रेस्टोरेंट, एंड यहाँ से जो व्यू आएगा ना, ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओहो हो सामने का नज़ारा, ओपी वाला नज़ारा भाई। मेन टाउन से आ रहे थे हम लोगों को, जो नाम बोला गया था वो बोला गया था उमरेंग, पर यहाँ का जो नाम है दैट इज जॉलबॉक। नहीं नहीं, जगह का नाम उमरेंग, जगह का नाम शायद से उमरेंग, और मुझे पता नहीं एक्चुअली। यहाँ पे जो वो रेस्टोरेंट है ऐसा ट्री हाउस टाइप में है, एंड पीछे से जो व्यू आ रहा है गाइस, फर्स्ट क्लास वाला व्यू है। मैं एक बार आपको सीन्स चेक करवाता हूँ। ने वहाँ का जो सीन है वो देख लिया है। यहाँ पे अभी लाइट्स जो है वो सब ऑन किया है, और भी खूबसूरत लग रहा है। चलो एक बारी ऊपर जाते हैं, कुछ कुछ टेस्ट करते हैं इस नया रेस्टोरेंट का। वी आर इनसाइड दिस छोटा सा ट्री हाउस, एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज थम्स अप। एंड पीछे से जो व्यू आ रहा है क्या बताओ गाइज, बहुत ही अलग लेवल वाला व्यू है। तो इस रेस्टोरेंट का जो थीम है दैट इज ट्री, सीट जो है वो भी ट्री का बना हुआ है, टेबल भी ट्री का ही बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। बीच में ट्रीज भी है, बहुत खूबसूरत वाला रेस्टोरेंट है। अभी यहाँ पे थोड़ा हम लोग कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करेंगे इस सीन के सामने। यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी आ गया है, एंड सामने का व्यू
इस व्यू पे कॉफ़ी का मज़ा तो कुछ और ही आने वाला है। वी हैव फिनिश्ड आवर कॉफ़ी हियर एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से एंड पीछे जो है पूरा क्लाउड्स आ गया है हम लोगों के सामने। यहाँ पे पूरा धुंधला धुंधला सा हो रखा है, पूरा क्लाउड्स आ गया हम लोगों के सामने एंड सौरभ नीचे चला गया, मैं भी अभी जा रहा हूँ। बहुत ही कूल सा एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ज़रूर से एक बार विजिट करना। यहाँ से पूरा क्लाउड्स आ गया सामने, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, पर पूरा हम लोग फील हो रहा है ठंडा अलग रहा है। यहाँ पे एक ग्राइंड करेगा, यहाँ पे एक ग्राइंडिंग मशीन नहीं है एक्चुअली, ये ट्रेडिशनल वे है ग्राइंड करने का। बहुत ही मस्त है, बहुत ही मस्त है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग जाएंगे हाफलोंग व्यू पॉइंट, वहाँ से आपको दिखाने वाले हैं हाफलोंग का नाइट व्यू। ये देखो गाइज लाइट का जो पूरा रे दिखाई दे रहा है। चलो ओ हो, पूरा फॉग है ओहो, टाटा। ये अलग एक्सपीरियंस है, पूरा जंगल टाइप एरिया है भाई। ओहो गाइज, यहाँ का चराई अलग लेवल का चराई है, अलग लेवल का है। तो फाइनली हम लोग टाउन पे पहुंच चुके हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं हाफलोंग के ऊपर। हाफलोंग का पूरा व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कल हम लोग गए थे एक्चुअली वहाँ पर हम लोग गए थे सुबह का टाइम, तो लाइक नाइट व्यू मैं आपको दिखा नहीं पाया था। अभी हम लोग जा रहे हैं रात को। क्या मज़ेदार वाला रास्ता है, मज़ा आ गया। और हमें बीच बीच में फॉग महसूस करने को मिल रहा है, अचानक से लाइट के सामने इतना ज्यादा से फॉग आ जाता है ना, पूरा लाइट का बीम दिखाई देता है। अभी तो वो आ नहीं रहा है, जब आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से पूरा व्यू GoPro है इसलिए साइड का व्यू अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऊपर जाके आपको अपना DSLR से व्यू दिखाने वाला हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गो। फाइनली रीच्ड The point, let's park it here. So guys, मैं हाफलोंग व्यू पॉइंट का पूरा ऊपर तक आ गया हूँ एंड यहाँ पे जो है मेरा पीछे रात को इतना खूबसूरत लग रहा है, क्या बताऊँ मैं। पीछे आप देख ही सकते हैं इतना सारा लाइट्स, ये पूरा हाफलोंग का जो व्यू है यहाँ से दिखाई देता है, तबाही वाला व्यू है गाइज। मैं आपको एक बड़ी अच्छे से दिखाता हूँ। सो बीच बीच में कुछ जगहों पे जो है हमें क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से अभी फिलहाल हम लोग चले जाएंगे घर। हम लोग घर जाते ही हम लोग मोटो व्लॉग एंड होगा, फिर घर जाने के बाद दिखते हैं और कोई प्लान होता है कि नहीं। एक्चुअली गाइस आज हम लोग इतना ज्यादा घूम रहे हैं क्योंकि आज हम लोग लास्ट डे है, कल हम लोग निकल जा रहे हैं यहाँ से, तो वी आर गोना मिस दिस प्लेस वेरी मच। अभी हम लोग चलते हैं घर सबसे पहले क्योंकि मम्मी का कॉल भी आना शुरू हो गया है। सो गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं एंड सामने का जो रास्ता है वो एक बार आप चेकआउट कीजिए, क्या तबाही वाला रास्ता है सामने। ओ हो हो, पता नहीं कैमरा जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं, पर बहुत ही तबाही वाला रास्ता है। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं हाफलोंग मॉल पे, न्यू मॉल खुला है यहाँ पे, चलो इसके अंदर जाके देख के आते हैं कैसा क्या सीन है। ये वाला मॉल हम लोगों ने थोड़ा एक्सप्लोर किया एंड नाउ इट्स टाइम टू गो। यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि रात का भी बज रहा है 7:30 एंड यहाँ से अभी डायरेक्टली हम लोग जाएंगे एक रेस्टोरेंट पे। मेरे मम्मी बहन और मामी वहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाएंगे कुछ डिनर करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे घर। घर जाने से पहले हम लोगों का एक और काम रह गया है, हम लोग जो स्कूटी लाए हैं अंकल को जाके स्कूटी रिटर्न करके आना पड़ेगा। इस स्कूटी ने आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक सर्विस दे दिया है और अंकल को भी बहुत सारा थैंक यू। हम लोग जाते हैं अंकल को थैंक यू भी बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे डिनर वगैरह कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद चले जाएंगे अंकल के घर, उसके बाद जाएंगे घर। चलो सो गाइज अभी हम लोग डायरेक्टली घर आ गए हैं, मामा का घर आ गए क्योंकि देयर इज ए गुड न्यूज़ फॉर यू। गुड न्यूज़ ये है कि कल हम लोग सिलचर नहीं जा रहे हैं, सिलचर हम लोग जाएंगे कल के बाद वाला दिन, मतलब परसों। तो लाइक कल हम लोग बस एक और दिन है हाफलोंग एक्सप्लोर करने के लिए, तो कल का दिन पे भी बहुत तबाही होने वाला है। एंड गाइज एक और चीज़ में, यहाँ पे पूरा फॉग हो रहा है, पूरा मेरा पीछे फॉग है, मतलब सुबह जो मैं क्लाउड्स दिखा रहा था वो अभी हम लोगों के सामने से होके जा रहा है। ये देखो पूरा धुंधला सा हो रखा है ये वाला पूरा पार्ट।
पूरा फॉग आ रखा है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट अभी का जो टाइम है वो हो रहा है 8:30 को, लाइक सीन ऐसा हो रखा है। एंड अभी अगर सिलचर होता तो सिलचर पे तो लाइक बहुत ज्यादा गर्मी, इतना गर्मी है कि एसी से हम लोग निकल ही नहीं पाते, और यहाँ पे तो एसी वगैरह कुछ ऑन ही नहीं करना पड़ता। सो लाइक आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसके साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज केतन साइनिंग आउट फ्रॉम केतन व्लॉग सिलचर।